नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष में हर राशि का अपना एक अलग तत्व होता है। कुछ राशियां अग्नि तत्व की होती हैं, कुछ राशियां जल तत्व की होती हैं, कुछ पृथ्वी तत्व की और कुछ वायु की। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी राशि जल तत्व की है तो आप में कौन कौन से खास गुण देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि जल तत्व की तीन राशियाँ होती हैं। पहली राशि होती है जल तत्व की कर्क, दूसरी होती है वृश्चिक और तीसरी मीन, यानी कि चौथी राशि राशि चक्र की, आठवीं राशि और बारहवीं राशि, ये तीनों ही राशियां जल तत्व की हैं। क्या इनमें खास गुण होते हैं और क्या इनमें कमियां देखने को मिल सकती हैं, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जल तत्व की राशियों में जो सबसे बेहतरीन गुण मिलता है वो होता है उनके अंदर की उदारता। इन तीनों ही राशियों के लोग, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग बेहद उदार होते हैं। ये लोगों के साथ मेलजोल आसानी से कर लेते हैं। हालांकि जब भी ये किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आसानी से नहीं जा पाते हैं, यानी कि इनको शक कहीं ना कहीं रहता है दूसरे व्यक्ति पे कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनका दिल न तोड़ दे। लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के साथ और वायु तत्व की राशियों के साथ इनकी काफ़ी अच्छी पड़ती है। हालांकि अग्नि तत्व की राशियों के साथ कुछ दिक्कतें इस राशि के जातकों को हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर इनकी उदारता हर किसी को पसंद आती है और ये सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन तीनों राशियों की एक खूबी ये भी होती है कि ये हमेशा ज्ञान पिपासु रहते हैं, यानी कि ज्ञान पाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि इन तीनों ही राशियों के लोग हर उम्र में कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होंगे। और क्योंकि ये जल तत्व की राशि है तो क्रिएटिविटी भी इनके अंदर देखने को मिलती है। चाहे वो कर्क राशि हो या वृश्चिक राशि हो या मीन राशि हो, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की ये कोशिश करते हैं। और आप इनको कला के क्षेत्रों में देख सकते हैं, बॉलीवुड में आप इनको देख सकते हैं, आप इनको मीडिया में देख सकते हैं। और एक चीज़ जो आप खास इन पे गौर करेंगे कि ये जिस भी संस्था में होंगे वहाँ थोड़े से अलग दिखेंगे और इनकी छाप हर किसी के मन पर होगी, क्योंकि इनका व्यवहार ऐसा होता है कि हर कोई इनसे निकटता बढ़ाना चाहता है। हालांकि इन तीनों राशियों की एक कमी भी है, वो है इनकी अत्यधिक भावुकता। और इसी भावुकता के कारण पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतों का सामना इन तीनों ही राशियों को करना पड़ता है, क्योंकि इनको छोटी से छोटी बात भी चुभती है जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कतें देती है। इनको आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी रूठ जाते हैं और इनको मनाना भी बेहद मुश्किल होता है। तो अगर ये लोग अपने मन को नियंत्रित रखें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें और अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो ये पारिवारिक जीवन में भी बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। इन तीनों ही राशियों की कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी कि अच्छे लेखक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, अपनी कल्पना से ये कुछ भी बना सकते हैं, यानी कि काल्पनिक दुनिया में भी ये जीने वाले होते हैं। तो ये तो कुछ बातें हैं जो जल तत्व की राशियों में आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इनके लिए कुछ उपाय भी हैं जिनसे इनको जीवन में बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। उपाय क्या क्या हैं? आपको हर रोज योग ध्यान करना चाहिए। खासकर ध्यान आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, इससे आपके जीवन में संतुलन आ सकता है। दूसरा उपाय है कि अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक और मीन में से एक है तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जल तत्व की राशियों पर भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप ये उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं तो कई परेशानियां आपके जीवन की धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Live। नमस्कार।